बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे ग्रहवाणी चैनल को देख रहे हैं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में बताऊंगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में, बताऊंगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है कौन सी विशेषताएँ और विशिष्टताएँ उनके अंदर होती हैं, कौन सी कमी होती है जिसको दूर करके जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो बहनों भाइयों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं अहिर बुधन्य। इस नक्षत्र में ग्रह त्याग, वानप्रस्थ ग्रहण, संन्यास ग्रहण, भिक्षुक होना इत्यादि जो भी कार्य हैं वो इस नक्षत्र में किए जाते हैं। इस नक्षत्र में त्याग संबंधी सभी कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा ये विवाह का नक्षत्र भी माना जाता है और व्यापार के लिए और सभी तरह के स्थिर कार्य करने के लिए ये नक्षत्र अच्छा माना जाता है। वाहन संबंधी व्यवसाय के लिए भी यह नक्षत्र अच्छा ही माना जाता है। बहनों भाइयों, यह शनि का नक्षत्र माना जाता है, यानी जन्म के समय शनि की महादशा चल रही होती है जिनका भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म होता है। मानवगण मध्य नाड़ी मीन राशि का नक्षत्र होता है ये, और जल तत्व का नक्षत्र माना जाता है। बहनों भाइयों, जिनका भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म होता है वो बड़े ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं। जिनका भी जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है वो एक समय में कई विषयों में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, और दुर्भाग्यवश अगर आपको स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिल पाई है तो भी आपका ज्ञान किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के समान ही होता है। अपनी असाधारण योग्यता, ज्ञान और क्षमता, इनके कारण आप हर कार्य में ख्याति प्राप्त करते हैं, प्रशंसा प्राप्त करते हैं। आलस्य आप कभी नहीं करते, बस दिमाग में किसी काम की धुन भर सवार हो जाए फिर उसे पूरा करके ही आप दम लेते हैं। असफलताएं कभी भी आपको निराश नहीं कर पाती, आप सच्चाई पर चलने वाले हैं, यथार्थवादी हैं और जीवन की सत्यता को समझने वाले व्यक्ति होते हैं, प्रैक्टिकल व्यक्ति होते हैं। आप कभी हवाई किले नहीं बनाते, जो कहते हैं वही करके भी दिखाते हैं। आप व्यवहार करें तो भी आपका बड़ा सार्थक और सटीक व्यवहार रहता है। बहनों भाइयों, आप चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी करें, दोनों में सफल होते हैं, क्योंकि सत्यता यह है कि आप कर्म योगी हैं और अपने आत्मबल, अपने कर्म की ताकत से आप सफलता प्राप्त करते हैं और सफलता की सीढ़ियां दिन पे दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप अपने व्यक्तित्व से भी बहुत आकर्षक हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट आपकी सभी का स्वागत करती महसूस होती है, आपकी यही मुस्कुराहट कितनों को आपका भक्त बना देती है। बहनों भाइयों, सभी के प्रति आपका व्यवहार बराबर ठीक रहता है, किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझना ये आपके फितरत में नहीं है, आपकी आदत में नहीं है। किसी को कष्ट आप दे नहीं सकते और किसी को कष्ट में आप देख नहीं सकते। आपका जो मन है वो निर्मल रहता है, स्वच्छ और साफ रहता है। क्रोध भी आपका क्षणिक होता है, जिससे प्रेम करते हैं उस पर सभी कुछ न्यौछावर कर देते हैं, प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। वाणी में आपके मधुरता और प्रेम रहता है, अच्छी भाषण कला भी आपके अंदर है। बस आपको, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपको क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, यही आपकी छवि को धूमिल कर सकता है भविष्य में जब कभी। अन्य कोई कमी आप में नहीं दिखती, चरित्र से भी आप ऊंचे रहते हैं, विषय वासनाएं आपको गलत मार्ग पर कभी नहीं ले जा सकती, दयालुता का विशेष गुण आपके अंदर रहता है, हर किसी की वक्त पर मदद कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं, आध्यात्मिकता और धर्म से भी आप गहरा जुड़ाव रखते हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़ाव पूरी तरह से आपका रहता है, सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर अच्छी समाज सेवा कर सकते हैं, समाज में रहते हुए भी आप एकांत पसंद व्यक्ति हैं, आपकी प्रवृत्ति त्यागी और विरक्त है, आप हर जगह मान सम्मान और आदर प्राप्त करते हैं। बहनों भाइयों, आप मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र में जाकर के अच्छा नाम, यश और धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आध्यात्म के क्षेत्र में आध्यात्मिक गुरु, तपस्वी, योगी, दिव्य पुरुष और दान जैसी संस्थाओं से जुड़ करके आप अपने जीवन में अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा दुकानदार बन सकते हैं, सरकारी कर्मचारी, लेखक, संगीतकार, कथाकार, कलाकार, सभी कुछ बन सकते हैं। सब
सुरक्षा के विभाग में सफल हो सकते हैं, सुरक्षा के कार्यों में सफल हो सकते हैं। अधिकांशता बहनों भाइयों, आपका भाग्योदय जन्मभूमि से दूर होता है और ऐसा भी संभव हो सकता है कि पिता का बहुत ज़्यादा सुख आपको प्राप्त न हो पाए। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, जीवन साथी और संतान ही आपका श्रेष्ठ धन हो सकता है और आपका जो भाग्योदय होता है वो विवाह के बाद होता है। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।